दोस्तों मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास हूँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो स्कूल है यहाँ बहुत सारे, उसका ये मेन गेट है। और आज लगभग 2.5 साल के बाद जामिया का ये स्कूल दोबारा शुरू हो गया है। कोरोना में जो स्कूल बंद हुआ था वो 2.5 साल के बाद आज दोबारा शुरू हुआ है। आज यहाँ बच्चे आने शुरू हो गए हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं वो इस वजह से है कि बहुत दिनों बाद जामिया, जब कोरोना में बंद हुआ था तो उसके बाद जामिया का स्कूल आज पहली बार खुला है। जी हाँ, फेज़ वाइज यूनिवर्सिटी खुलने का सिलसिला शुरू हो गया था। स्कूल आज पहली बार खुला है। जो बच्चे आप देख रहे थे ज़्यादा तादाद में, आज पहली बार जामिया के बच्चे बहुत सालों मतलब 2-2.5 साल बाद, जब से मतलब कोरोना में जामिया बंद हुआ था तब से आज पहली बार जामिया खुला है। उसके बाद ये बच्चे आए हुए हैं, गार्जियन आए हुए हैं। आप देख रहे हैं ऐसी की भीड़ है। बहुत सारे स्कूल दिल्ली में खुल गए थे, पूरे हिंदुस्तान में खुल गए थे, लेकिन जामिया ने कभी भी अपना स्कूल नहीं खोला था। बीच बीच में बहुत सारे स्कूल खुलते रहे, प्राइवेट स्कूल भी खुलते रहे, गवर्नमेंट के स्कूल भी खुले, लेकिन जामिया ने कभी भी अपना स्कूल नहीं खोला। और जामिया ने आज अपना स्कूल बाज़ाब्ता खोल दिया है। दुआ करें कि ये सिलसिला चलता रहे, स्कूल खुला रहे, कोरोना दोबारा न आ जाए, ताकि बच्चों की तालीम पर असर नहीं पड़े। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ इसलिए हो गई है कि जामिया के स्कूल का जो मेन गेट है 17 नंबर, स्कूल का वो मेन गेट कहलाता 17 नंबर, वो आज बंद है। अगर वो भी खुला होता तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं होती, लेकिन चूँकि वो गेट बंद है इसलिए ज़्यादातर गार्जियन इसी गेट से आ रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। वो गेट पता नहीं जामिया ने किस मसले से नहीं खोला है, मगर मेन गेट 17 नंबर बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, ज़्यादा भीड़ जमा हो जा रही है। हो सकता है धीरे धीरे वो गेट भी खुलने लगे। कुल मिलाकर खबर यह है कि आज जामिया का स्कूल बाज़ाब्ता दोबारा कोरोना के बाद शुरू हो गया है और आज पहले दिन बच्चे आ रहे हैं। देखिए, जामिया के स्कूल का मेन गेट ये है, ये देख रहे हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने ये स्कूल का ये वाला गेट बंद किया। देखिए गार्जियन आ रहे हैं, परेशान होकर लौट रहे। देखिए ये लेडी आई बच्चे को लेके, ये लौट रही है। देखिए ये लड़का भी आया है स्कूल, ये लौट रहा है। पता नहीं इन्होंने कोई नोटिस भी नहीं लगाई है। और लोग पीछे वाला जो दूसरा वाला गेट है उससे लोग जा रहे हैं, कितने लोग लौट रहे हैं देख लीजिए आप। तो ये बात समझ में नहीं आई कि जामिया ने ये गेट बंद क्यों किया, और अगर किया भी तो यहाँ पर उन्होंने कोई नोटिस क्यों नहीं लगाई कि ये वाला गेट आज बंद रहेगा। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग लौट रहे हैं देख लीजिए। ये बच्चा आया, ये भी लौट के जा रहा है। ये दूसरे गार्जियन इनके पीछे हैं, वो भी लौट के जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ ई रिक्शा से कुछ बच्चे आ रहे हैं, वो इसी गेट पर आएंगे, लेकिन वो भी लौट के जा रहे हैं। तो पता नहीं क्यों जामिया ने ये गेट बंद किया हुआ है। आज जब इतनी ज़्यादा भीड़ है तो उनको ये वाला गेट भी खोल कर रखना चाहिए। देखिए ये बच्चे भी लौट रहे, देखिए उतरे यहाँ पर, इन्होंने देखा लॉक है, ये लौट के उस गेट पर जा रहे हैं। ये तो जामिया ने जब स्कूल दोबारा शुरू किया है तो उसे इस गेट को खोलना चाहिए, यही सबसे मेन गेट है उसका स्कूल का, और उसे उसने यहाँ बंद किया हुआ, जिसकी वजह से गार्जियन को बहुत परेशानी हो रही है। देखिए बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। देखिए गेट पर आए हैं वो, लेकिन गेट है बंद। अब वो जाएंगे दूसरे वाले गेट से, सबको परेशानी होगी, उस गेट से जाएंगे। यहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं है कि उस गेट से जाओ। बच्चे अपने से देख रहे हैं कि गेट बंद है तो वो दूसरे वाले गेट पर चले जा रहे हैं। पहले दिन ही परेशानी का सामना, गार्जियन भी परेशान, बच्चे भी परेशान। कोई नोटिस नहीं कि ये वाला गेट बंद रहेगा, हर कोई लौट के यहाँ से जा रहा है। अगर गेट बंद रखना था तो बजाबते यहाँ पे नोटिस लगा देनी चाहिए कि ये वाला गेट बंद रहेगा, आप किसी और गेट से अंदर जाइए।